बुलडोजर आक्शन ने सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आभिमुख्य। सुप्रीम कोर्ट कड़ा टिप्पणी देखते कड़ा चेतावनी देखते आरोपी किंवा दोषी घर भंगा जाई पारिबो नाही, एहा कोनोसी परिस्थिति रे ग्रहणीय नुहे। मनोमुखी आभिमुख्य को बदास्त करा जीवो नाही, अधिकारी माने मनोमुखी कार्य करि पारिबे नाही। सुनानी न होई अभियुक्त को दोषी सब्यस्त करा जाई पारिबो नाही, क्षमतार दुरुपयोग करा जाई पारिबो नाही। कोर्ट एथिपई गाइडलाइन मध्ये जारी करछथि। जस्टिस बी आर गवाई एवं जस्टिस के भी विश्वनाथन बेंच ए संपर्क में मामलार राय सुनाई। मामलें अक्टोबर एक तारीख में शुणी पर सुप्रीम कोर्ट राय संरक्षित रखिते। सुप्रीम कोर्ट राय सुनाई कहते जे कार्यपालिका को कौन आरोपी व्यक्तिर पर सुरक्षा हटावा को अनुमति दि जा पारिबो नाही। अभियुक्त किंवा दोषी सब्यस्त व्यक्तिर घर केवल एक संपत्ति नुहे, बर पर सामूहिक आशार प्रतीक बोली सुप्रीम कोर्ट कहते। तेणु सुप्रीम कोर्ट को एक कठोर बा कड़ा आभिमुख्य बुलडोजर प्रसंग को नहीं। बेआईन भाव में बुलडोजर चलाई कौन से प्रकार कोठा निर्माणाधीन कोठा बा घर भांगी पारे ना। बुलडोजर आक्शन को नहीं कठोर होती सुप्रीम कोर्ट। बिना नोटिस रे कहारी घर भंगा जाई पारिबो नाही बा कोनोसी अधिकारी एभली कार्य करि पारिबे नाही। अधिकारी निजो को विचारपति भाविले चलिबो नाही, एकथा सीधासलख चेताई देछंती सुप्रीम कोर्ट। कार्यानुष्ठान नेबा पूर्वरु घर मालिकाने थिबा हिताधिकारी पाखकु पठाइबाकु हेबो 15 दिनिया नोटिस। ए नोटिस परे ही आपण जाईकि कोनोसी प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करि पारिबे। नियम पालन नकरी लोकंकर घर जदि आपण भांगुछंती ताहाले संपृक्त अधिकारी जणक फसिबार चांसेस रहुचे, कथा कहिचंती सुप्रीम कोर्ट। बुलडोजर आक्शन को नहीं सुप्रीम कोर्ट को कड़ा तागिद। निज को विचारपति न भावंतु दायित्व निर्वाही अधिकारी। संपत्ति नष्ट करने पूर्व हिताधिकारी को दियो 15 दिनिया नोटिस। बिना प्रमाण रे भांगिले अधिकारी निर्माण करिबे घर। बुलडोजर आक्शन को नहीं कठोर हेले सुप्रीम कोर्ट। बिना नोटिस रे कहार घर भांगी पारिबे नाही अधिकारी। अधिकारी निजो को विचारपति भाविले चलिबो नाही। कार्यानुष्ठान नेबा पूर्व घर मालिकाने थिबा हिताधिकारी पाखकु पठाइबाकु हेबो 15 दिनिया नोटिस। नियम पालन नकरी लोकंकर घर भांगिले फसिबे संपृक्त अधिकारी। घर भंगा बेले भिडियोग्राफी हेबा जरूरी। अगस्त 17 तारीख रे राजस्थान उदयपुर बिना नोटिस रे जने हिताधिकारी घर भंगा मामला और जमियत ए उलेमा हिंद भर्सेस उत्तर दिल्ली नगर निगम मामलार शुणाणी करी एभले निर्देश सुनाई सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्यप्रदेश में बारंबार बुलडोजर आक्शन निया एभले निर्देश को स्वागत करी यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी कहते सुशासन प्रथम नियम नियम पालन। सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर यूपी सरकार को विरोधी समालोचना करे मामलें यूपी पक्षभुक्त नुहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते। तो सुप्रीम कोर्ट ने चंद बिंदुओं पर बड़ी स्पष्ट टिप्पणी की है। नंबर एक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार कोई भी अधिकारी अपने मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकता है। प्रशासन का काम वो नहीं है जो जुडिशरी करती है। प्रशासन अगर जज बनना चाहे तो इसका अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट विचारपति जस्टिस बी आर गवाई जस्टिस के वी विश्वनाथ खंडपीठ ने बुलडोजर आक्शन उपरे सारा देश 15 गाइडलाइन जारी करा जाइछि। सेगुड़ी का मध्यरे घरर मालिकों का पाखकु अधिकारी दस्तखत नोटिस पठा जिवो। भंगा हेबाकु थिबा घरर कांथरे नोटिस लागिबा घर काहीं की भांगिबोनी कारण दर्शा नोटिस 15 दिन पूर्वरु घर मालिकों का पाखकु पठा जिवार आवश्यकता रहुछि। घर भंगा पई सुनानी तारीख मध्य नोटिस रे धार्य जरूरी। 3 मास पूर्वरु डिजिटल पोर्टल निर्माण पई मध्य सुप्रीम कोर्ट कहिछन्ति उक्त घरर कांथरे नोटिस रो संपूर्ण विवरणी सहित तारीख मध्य उल्लेख हेबा जरूरी। नोटिस जारी हेबा सहित तुरंत एक ऑटो जनरेटर ईमेल कलेक्टर एवं डीएम को पाखकु पठाइबे अधिकारी। घर भांगिबा संपर्क एक निर्दिष्ट तारीख रे कोर्ट सुनानी जरूरी जहाद्वारा घरर मालिक निजर मत रखिपारे काहीक घर भंगा होइछि एने निर्देश रे उल्लेख रहिबा जरूरी। आदेश जारी हेबार 15 मिनिट जाए ए नियम लागू हेबो नाही कारण घरर मालिक बेआईन निर्माण भांगिबा को समय पाइपारे। तबे केमिति भंगा जीव ए निर्माण से प्रसंगे सुप्रीम कोर्ट कहिछन्ति
क्यों निर्माण को हटा जिबा एथि पई एहार संपूर्ण स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुति जरूरी। ए एक्शन रो वीडियोग्राफी उभय पुलिस एवं अधिकारी को सम्मुख रे हेबो। डिजिटल पोर्टल ले डिटेल रिपोर्ट मध्ये प्रदर्शित हेबो। पॉलिटिशियन और एग्जीक्यूटिव के जरिए ये फैसला लिया जाता था और अचानक से बुलडोजर्स के जरिए लोगों के घर को तोड़ दिए जाते थे, तो उस पर अदालत ने कहा है कि ये घर होना किसी के लिए कितना अहम है। घर में सिर्फ एक इंसान नहीं होता, पूरी फैमिली होती है, उससे उसका फ्यूचर अटैच्ड होता है, तो इसको तोड़ने से पहले जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत ही नॉन आर्बिट्ररी, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तबे गाइडलाइन भांगिले अधिकारी को विरुद्ध रे निया जिवो कड़ा कार्यानुष्ठान, ताक विरुद्ध रे कोर्ट अवमानना सहित आईन अनुसार एक्शन हेबो। संप्रुक्त अधिकारी को बिना निर्देशावली रे कार्यानुष्ठान कले तांको निर्देश रे भंगा जेथवा घर को से निजे आउथरे निर्माण किंबा करिबा को बाध्य हेबे बोली कहिछथि सुप्रीम कोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7।